एंड यूजर तक मैसेज पास करना है, और अगर आपने सही टाइपोग्राफी की सेटिंग्स यूज नहीं करी है तो मैसेज का सत्यानाश होना तय है। टाइपोग्राफी है क्या? ये सिर्फ फॉन्ट फैमिली नहीं है, ये फॉन्ट टाइप भी नहीं है जो हम नॉर्मली समझते हैं, ये उससे काफी ज्यादा। इसमें आप को स्टाइल्स, आपका फॉन्ट का कैसा होगा, आप जो भी करेक्टर्स यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, वो किस प्रोपोर्शन में होगा, स्पेसिंग कितनी होगी लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच, वो सब कुल मिला के एक अच्छा टाइपोग्राफी बनाता है, और वो आपका जो भी मैसेज है वो इफेक्टिव तरह से एंड यूजर को पास करे। सिर्फ वेबसाइट में ही टाइपोग्राफी का यूज नहीं होता, ये न्यूज़पेपर में भी मिलेगा आपको, बैनर्स में भी मिलेगा, पोस्टर्स में भी मिलेगा। और इसको सिंप्लीफाई किया है टेलविंड ने, हालांकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 9 कैटेगरीज ही लिए, पर ये टेलविंड में तो बहुत ग्रैनुलर लेवल पे छोटे छोटे ब्रेकअप्स दे के उन्होंने किया है। कलर जो था ये टेक्स्ट रेड दे दिया था, ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टेक्स्ट रेड 200 300 400 जो भी था हमने ले लिया था। फॉन्ट फैमिली, ये अभी हम देखेंगे कैसे यूज कर। तो ये फॉन्ट सेंस सेरिफ, फॉन्ट मोनो, और फॉन्ट सेंस जो है ये नॉर्मल फॉन्ट आता है जैसा अभी आपको दिख रहा होगा, ये फॉन्ट सेंस है। फॉन्ट सेरिफ जो आता है वो थोड़ा सा एज आ जाते हैं उसमें निकले हुए, जैसे टाइम्स न्यू रोमन टाइप। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो क्लासेस लिखी हुई हैं ये सारी टेलविंड क्लासेस आपको एज इट इज यूज करनी होगी। तो अगर आपको फॉन्ट सेंस चाहिए तो आपको फॉन्ट हाइफन सेंस लिखना पड़ेगा सारी का सारा स्मॉल लेटर में, और अगर आपको टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज लिखना है तो टेक्स्ट एक्सल, ये फॉन्ट साइज के लिए। फॉन्ट स्टाइल के लिए इटैलिक और नॉन इटैलिक है, ये दो ही टाइप के वैल्यू एक्सेप्ट करता है फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक नॉन इटैलिक, दैट इज ऑल। और इसमें आ जाता है ये फॉन्ट थिन, फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट, फॉन्ट लाइट, ये फॉन्ट वेट में है, और भी इसकी 7-8 और भी वैल्यूज हैं इसमें जो क्लास को मिलती फॉन्ट वेट के लिए। ट्रैकिंग, अब ये लेटर स्पेसिंग जो हम नॉर्मली उसमें यूज करते हैं CSS में, उसकी जगह यहाँ पे इसको ट्रैकिंग बोला जाता है, तो इसकी भी काफ़ी सारी टाइप हैं। ये लाइन हाइट, तो लाइन हाइट को लीडिंग बोलते हैं टेलविंड CSS में, लीडिंग 3, लीडिंग 4, लीडिंग 5, लीडिंग 6 एंड सो ऑन। टेक्स्ट अलाइन को यहाँ पे ये 4 टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, दैट इज ऑल। तो टेक्स्ट अलाइन है आपका किस साइड में टेक्स्ट फ्लोट कर रहा हो। और एक आया आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू स्ट्राइक जो हो जाता है काट, नो अंडरलाइन, तो अंडरलाइन को नो कर दिया, तो ऐसे इटैलिक को भी नॉन इटैलिक कर देना। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार पेरेंट से चाइल्ड में कुछ स्टाइल्स इनहेरिट हो जाते हैं, तो आपने पेरेंट टैग को इटैलिक लगाया, पता चला अंदर का जो इनर चाइल्ड था वो भी इटैलिक हो गया, अब आपको इटैलिक नहीं चाहिए था तो नॉन इटैलिक यूज कर दे, और ऐसे ही नो अंडरलाइन। चलिए अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं VS Code। थैंक यू।